हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नंदन, आप देख रहे हैं मेरा चैनल अनबॉक्सिंग टेक। आज मेरे पास एक ट्राईपॉड है जिसे मैंने अमेजोन से मंगाया है और फाइनली मैंने इसे मंगा लिया बहुत दिन के बाद। मैं जैसे तैसे अपना वीडियो चलाता था, जैसे तैसे रिकॉर्ड करता था इधर उधर कैमरा रख के, अब वो करना नहीं पड़ेगा बिकॉज ऑफ ट्राईपॉड आ गया है। और बिना टाइम वेस्ट करते हुए देखते हैं कैसा है ये ट्राईपॉड। और अमेजोन पे इसका प्राइस 1410 रुपीस है। हालांकि मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप नेट से ना लें बिकॉज इसमें प्राइस जो है कुछ ज़्यादा ही है। अगर आप इसे मार्केट में ढूंढें यही चीज़ यही प्रोडक्ट तो आपको इसे लेस में मिल सकता है विद बार्गेनिंग करके, तो इट्स बेटर टू बाय फ्रॉम मार्केट। मैं ख़रीद के भी आपको ये सजेशन दे रहा हूँ। इसका मॉडल नंबर है सिंपेक्स 2400। सिंपेक्स 2400 डिलक्स लाइटिंग लाइट वेट वीडियो फोटोग्राफी ट्राईपॉड। ये सिंपेक्स कंपनी का है, और भी सारे कंपनी का आते हैं जैसे कि डिजिटेक्स वगैरह, बट ये रेंज में ये इससे बेटर मुझे और कोई मिला नहीं। मुझे लगा कि यही सबसे बेटर है मेरे हिसाब से। अगर आपको और कोई दूसरा मिलता है तो आप ले सकते हैं। सारा लिखा गया है, हाईएस्ट वेट आप 3.5 केजी संभाल सकते हैं। आइए देखते हैं अंदर कैसा। ये बैग बहुत ही अच्छा है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बैग का क्वालिटी मुझे बहुत ही अच्छा लगा है बाकी दूसरे ट्राईपॉड के कंपेयर में, बिकॉज इसका जो कपड़ा है थोड़ा टिकाऊ है। एज ए हैंडल आप यूज कर सकते हैं, कहीं भी कैरी करके रिकॉर्ड के ले जा सकते हैं। इसका कलर बहुत ही अच्छा है, कॉपर टाइप का कलर है ये, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसे मैं अब ओपन करता हूँ। ये यहाँ से ऐसे करने पे लॉक होता है, इसे मैं रोटेट करके लॉक कर सकता हूँ। ये इसका लेग्स है, लेग्स को मैं दो ओपन कर यहाँ लॉक कर देता हूँ। आपको मैं कुछ एडिशनल फीचर अभी से दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप ये हैंडल देख सकते हैं। ये हैंडल अगर आप कैमरा यहाँ लगा करके आप चाहें तो इसे आप नॉर्मली यूज भी कर सकते हैं। इसे आप देख सकते हैं, ये हो गया इसका हेड, ये हो गया इसका लेग्स जो कि थ्री स्टेप में लेग्स है। यहाँ मैं कैमरा में फंसा के ले सकता हूँ। और ये रहा, यहाँ लॉक अरेंजमेंट है। अगर आप चाहें तो इसे ऐसे छोटा करके ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप लॉक लेग्स चौड़ा भी कर सकते हैं, डिपेंड ऑन यू। मैं आपको इसका पूरा हाइट दिखा देता हूँ। यहाँ पे हाइट और इंक्रीज करने का, ये हेड का और हाइट इंक्रीज हो सकता है। हालांकि ये जो है मैंने दूसरा प्रोडक्ट में देखा था, इसका जो स्मूथनेस था उठाने का बहुत ही कट कट सी आवाज़ आ रही थी और स्टेप बाय स्टेप उठ रहा था, पर इसका स्मूथ बहुत ही अच्छा है। इस रेंज में ये स्मूथनेस मिलना थोड़ा इम्पॉसिबल है। आप देख सकते हैं ये मेरा हाइट के बिल्कुल बराबर ही हो गया है, लगभग 5.5 फीट। और आप चाहें तो यहाँ से इसे आप कैरी कर सकते हैं। यहाँ लॉक अरेंजमेंट है, यहाँ आप लॉक कर सकते हैं, उसके बाद अपना यहाँ से आप वर्क कर सकते हैं। हालांकि मैं अभी इसे नीचे कर लेता हूँ और जल्दी से मैं कैमरा सेट करके दिखा देता हूँ आपको। ये यहाँ से ये ओपन होता है, यहाँ कैमरा लगाने के लिए कैमरा माउंट है। ये मोबाइल का माउंट भी आता है, जो कि अगर आप चाहें तो मोबाइल लगाने के लिए आप मोबाइल का माउंट वो लगा सकते हैं। यहाँ पे एक लेवल है, मीन्स अगर आप ऊंच नीचे तो आप यहाँ से देख के आप लेवल कर सकते हैं। एक यहाँ भी है, एक बबल यहाँ पे भी है, दो बबल दिया गया है, आप अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। आइए जल्दी से इसे कैमरा सेटअप करके देखते हैं कैसा है। मेरे पास एक दूसरा सोनी का कैमरा है जो कि एक्सएलआर कैमरा है, उसे मैं सेटअप करके दिखाता हूँ आपको कैसा है। ये यहाँ से मैंने इसे खींचा, ये अंदर हो गया,
और यहाँ पे जो दिया गया है इसे मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ये हो गया। और मैं फिर इसे फिक्स कर देता हूँ। इसे लॉक करना ना भूलें, अगर आप इसे लॉक ना करें तो आपका कैमरा गिर सकता है, इसे ज़रूर लॉक करें। आपको मैं एक चीज़ दिखा दूं, इसकी जो टाइटनेस वगैरह है, का हार्डनेस वगैरह जो है, सॉफ्टनेस वगैरह जो है, यहाँ से सेट कर सकते हैं, जो सॉफ्ट हार्ड आप जितना चाहें। यहाँ पे दिया गया है लॉक घुमाने के लिए, जैसा आप चाहें। पूरा फुल फ्री चाहते हैं तो यहाँ से ढीला कर दीजिए, टाइट करना चाहते हैं तो आप इसे टाइट कर दीजिए। ये आपको स्मूथनेस देता है, जो कि ये रेंज में आई थिंक ऐसा नहीं मिलेगा। रहा बात कैमरा को वर्टिकल करने का, तो आप इसे डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे भी टाइट करने का ऑप्शन दिया गया है, देखिए यहाँ पे टाइट करने का ऑप्शन दिया है, आराम से कर सकते हैं। अगर इसे टाइट कर दूँ मैं तो यहाँ ये फिक्स हो जाएगा, यहाँ से हिलेगा नहीं। अगर आप वर्टिकली आप डाउनवर्ड या अपवर्ड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ हाइट बढ़ा सकते हैं आप यहीं से। आपका कैमरा का स्टेबिलिटी नहीं जाएगा, ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे। क्योंकि अगर दूसरा ट्राइपॉड रहता तो ये जो उठाने पे कैमरा का स्टेबिलिटी हट जाता, थोड़ा सा हिलता, हमें वो चीज़ देखने को नहीं मिल रहा। राब तीसरा ये फंक्शन जो दिया गया है, ये बहुत ही यूज़फुल आएगा। आप अगर ट्राइपॉड यूज़ करते रहिएगा और आप कोई ओकेशन वगैरह कर रहे, कोई हार्डेस्ट एरिया में जाना नहीं चाह रहे आप और ट्राइपॉड के लिए जाना चाह रहे हैं, तो ये आपके काम आएगा, बहुत ही काम आएगा। इट्स डिपेंड ऑन यू आप कैसे यूज करते हैं। एक फंक्शन मैं आपको और बता दूं, इसका एक अच्छा फंक्शन मुझे लगा, जो कि एक महंगे ट्राइपॉड में आता है, हालांकि 10,000 12,000 के रेंज में आता है वो चीज़। और ये है इसका लेग्स के जो ग्रिप है नीचे का, वो ये मूवेबल है, आप कहीं भी रखिएगा ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मतलब जैसा सरफेस रहेगा उसमें भी ये अच्छा से ये फिक्स हो जाएगा। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा।